गुर गोबिंद गोपाल गुर गुर पूरन नारायण है, गुर दयाल समरथ गुर, गुर नानक पतत उदारण है। चवर शतर तखत दे मालक साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी अंदर सज बैठी गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन अस्थान गुरद्वारा श्री बंगला साहिब विखे आप सरबत संगतां हाजरीन हो, बड़ी सहजता दे नाल सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह हुणा आप संगत नूं तुरकी बाणी दा फुरमान सरवण करवाया है। आओ इस अगमी बाणी दी व्याख्या नाल जुड़ के अपने समय नूं जीवन नूं सफला करिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम, धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह। वैरागमई श्लोक ये पावन बाणी प्रगट करते ने। ये जो श्लोक है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर 1428 अंग उपर दर्ज है। गुरु साहिब इत्थे परमात्मा दी जो महान बुलंद हस्ती है कि वो सबना दा दातार है, सबना नूं दान देन वाला है, झोलियां भरन वाला है, बयान करदे ने। और मनुखता अंदर जे कोई ये परम पाली बैठा है भी वो वंडन वाला है, वो देन वाला है, तो उस वहम नूं खंडित करदे ने। गुरु साहिब कहिंदे ने ये जेड़ा जगत है, जन समुदाय है, ये भिक्षा मंगण वाला है, भिक्षाहारी है, सारे परमात्मा तो मंगदे ने। कोई उच्ची बोल के मंग लैंदा है, कोई जहन विच अंदर खाते मंग लैंदा है। बड़े बड़े मरातबियां ते बैठे हुए आगू जेड़े ने वो भी उस परमात्मा दे अगे ही अरदास करदे ने। निर्धन गरीबड़ा ते अरदास करेगा ही, परमात्मा दातार है, दानी है, देन वाला है। और उस प्रभु लई इत्थे लफ्ज वरत्या है राम। राम दा भाव हुंदा जो रमिया है, जो साडे अंदर समाया होया है और हर जरे विच रव रहा है। एक जगह बाणी विच आउंदा है, घट घट रमैया रमत राम राय,
गुर शब्द गुरु लिव लागे। कोई ऐसी जगह नहीं है जिथे राम रविया नहीं है। इथे हर जरे विच समाए हुए परमेश्वर नू राम कहा है। श्री रामचंद्र जी का इथे जिक्र नहीं है। 5000 तो उपर गिनती हो जाती है इस लफ्ज़ की बाणी अंदर। कोई 2-4 बार श्री रामचंद्र महाराज लई ये लफ्ज़ आया है, जिमें राम गयो रावण गयो जां को बहु परवार। कोई दो राय नहीं है। आपां हर धर्म के महापुरशां का अदब करते हैं। श्री रामचंद्र समय के अवतार सन, बाणी विच जिक्र है। पर ओ राम दी गल कीती है जेड़ा हर युग विच है। एक युग तां ही सीमित नहीं है, जो मिटदा नहीं है। सुते सिद्ध प्रकाशवान है, अपने आप तो प्रगट है, जो सारिया ही गुरु पीरां रहबरां अंदर प्रगट है, समाया होया है, जीव जंतुआं विच सुभायमान है। महाराज कहिंदे ओ रमिया राम शब्दा दाता है, सारिया दियां झोलियां भरन वाला है हर दाता। सब जगत पेखारिया मंगत जन जनता, परमात्मा दाता है, बाकी सारा जगत मंगता है, मंगण वाला है। द लॉर्ड इज द ग्रेट गिवर, अकाल पुरख ही झोलियां भरदा है। बाकी कोई छोटा मंगता है, कोई वड्डा मंगता है। जिड्डा अमीर होवेगा उहदी मंग भी ओडी वड्डी है, करोड़ां विच। जे कोई दिहाड़ीदार है उहदी 200-400 दी मंग है। हैन सारे ही मंगते, हर देव हो दान दयाल होए विच पाथर क्रिम जनता। और नाल ये कह दिता भी ऐ परमात्मा तू ऐसा दानी है, जेडे पत्थरां विच क्रिम हुंदे ने ना, तो उथों ताईं भोजन पहुँचा दिना है। कई बार आम ही जेडे दिहाड़ीदार लोग ने जदों पत्थर आदिक कुटदे ने, पत्थर नूं तोड़दे ने, विचों कीट निकल आउंदा है और उहदे मूँह विच वी कोई अन्न दा दाणा हुंदा है। समझ नहीं पैंदी भी ये बाहर किस रस्ते आया, ये अन्न कित्थों पहुँचिया। परमात्मा दी कुछ ऐसी खेड है, रचना है, जिन्ने जीव जंत ने सारिआं नूं रोजी दिंदा है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ये लफ्ज़ बड़ा दसम बाणी विच वरतदे ने, राजक रिजक देण वाला, रोजी देण वाला, कमाले करामात कायम करीम, रजा बख्श राजकर हाकुर रहीम, अमा बख्शो बख्शिंदु वो दस्तगीर, रजा बख्श रोजी देहो दिल पजीर। रोजी देण वाला परमेश्वर ही है। जिन्हें उन्हें दाने लिखे ने कर्मा विच उन्हें ही शक पाने हैं। दीन दुनिया दे मालक किथे समझाउंदे ने भाई, परमात्मा दे गीत गाया करो। कहिंदे ने जन नानक नाम ते आया गुरमुख तनवंता, तनवान बन जाओगे, अमीर हो जाओगे, दुनियावी धन भी मिलेगा ते नाम धन भी मिलेगा। अध्यात्मिकता दे तौर ते भी अमीर होवोगे, महापुरश हो निबड़ोगे, संत हो निबड़ोगे आम जग्यासू तो, और बाहरी तौर ते भी अमीर हो जाओगे। गुरु नानक दे सिखां कर गरीबी नहीं रहिंदी, जेड़े मन करके गुरु नाल जुड़ जांदे ने उते वंडन वाले ने, लखां नू लंगर छका दिंदे ने। सो ऐसी बख्शिश अकाल पुरख दे गीत गाउण वाले नूं है। तुम दाते
हम सदा पेखारी देओ जवाब होए बजगारी। तू दाता है और असी सदा ही तेरे दर ते पेखारी हाँ। एक इत्थे लफ्ज वरत्या है बजगारी, किंदे जदों दाता वंडदा है ना ते जे असी ना नुकर करिए, ये थोड़ा दिता है ये ठीक नहीं कीता, तो कहिंदे वो इस गल्लों नाराज हो जांदा है। जदों उहदी करनी विच असी दखल दिंदे हाँ तो ये अपनी गुनहगारी बन जाती है। दीन दुनिया के मालक पता ही नहीं कदों तो साड़ियां झोलियां भर रहे ने, देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। असी झोलियां भर भर के तुरे जा रहे हैं, खुला बख्श रहा है, जुगा तो बख्श रहा है, पर साढ़े मूहों शुकर नहीं निकलता। जदों भी गुरु घर आने हैं जां कोई मंदिर जाता है मस्जिद जाता है उलामा ही लैके जाता है, जो नहीं मिलिया उदे बाबत मैं कि तुहानू सौखा दृष्टांत दिना समझ आ जाएगी। एक बड़ा अमीर सेठ है, उन्हें देखिया भी मेरे इलाके विच इन्ने भिखारी ने भी ये रोज़ भीख मंगण आउंदे ने, ते उन्हें महीना वार दान बन दिता, मुनीम दी ड्यूटी लाती भी इस भिखारी नूं 50 रुपये देने ने, इहनूं 25 देने ने, इहनूं 100 रुपया देना है। वो महीने दे महीने भिखारी जिहड़े ने मुनीम कोल आउंदे ने तो माया लैके दान लैके चले जाते हैं, तो बड़िया सालों तो इस तरह ही चलता रहा। हुण एक भिखारी बड़ा गरीब सी मफल सी, उन्हों 50 रुपये महीना मिलता सी, तो एक तरीक नू पैसे लैन आया तो सेठ दे मुनीम ने उन्हों आख्या भी थोड़ा फेर बदल हो गया है दान दे विच, अगे तैनू 50 रुपये मिलते सी हुण तैनू 25 मिलने ने। तो भिखारी कलप उठिया, वो बड़ा नाराज होया भी की मतलब है तेरा, सदा तो ही मैनू 50 रुपये मिलते रहे ने ते मैं 50 रुपये लए बिना इथों नहीं हटना, मैं 25 रुपये लैके वापस नहीं जाना। तो मुनीम ने समझाया भी जिस सेठ दे दर तो तुसी महीना वरी दान ले जांदे हो उना दी बेटी दा है व्याह, तो व्याह दे उत्ते खर्चा बड़ा आउणा है, साधारण व्याह ते करेगा नहीं, बड़ा अमीर है, बड़े राजे महाराजे शिरकत करनगे व्याह दे विच, सो थोड़ी असुविधा है, 50 दी जगह 25 रुपये लै जाओ। तो भिखारी ने तो ला लिया धरना, वो तो उच्ची उच्ची रौला पाउण लग पिया भी तुसी समझिया की है मैनू, मैं कोई अमीर हाँ मैं कोई सेठ हाँ भी तुसी मेरे हिस्से दे पैसे कट के अपने सेठ दी धी दे विआह ते लाओगे। हुण दरअसल बात यह है भी भिखारी नूं लंबे समय तो दान विच 50 रुपये मिलते सी आदि हो गया, दान कोई दे रहा है तो दान दा अधिकारी बन के बह गया भी ये मेरा है सब कुछ, हक जताउण लग पिया है, तो वह हुण 25 रुपए जिहड़े कट्टे जा रहे ने वो जर नहीं पा रहा। अज उलामा ते दे दिता भी 25 रुपये कट लए ने,
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 50 ਰੁਪਈਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੇਠ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ 50 ਚੋਂ 25 ਰੁਪਈਏ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਦਿਨ ਉਲਾਮਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਈ ਨਾ ਬਾਪ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨਾ ਦੌਲਤਾਂ ਨਾ ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਤਨ 'ਤੇ ਦੋ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਆਏ ਖੇੜਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਨਾ ਸਾਜੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਟਾਹੇ, ਇਹ ਵਾਧੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਕਟੌਤੀ ਬਾਬਤ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਮਦਨੀ ਵੱਧ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਔਕਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਸ ਦੁਰਲੱਭ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਬਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਬਹੁਤਾ ਸੀ, ਮਿਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਲਈ ਦੋ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਗਲੂਏ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, 10 ਵਸਤੂ ਲੇ ਪਾਸ਼ਾ ਭਾਵੈ, ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਬਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੋ ਜੇ ਇੱਕ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇਰੇ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਗਿਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਭੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਭੀ ਹਿਰ ਲੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੋ ਲਵੇ, ਤੋ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਵੇਂਗਾ ਉਹਦਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਨਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇਂਗਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਟੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਕਈ ਨਾਸਤਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸਿਓਂ ਨਾਹੀਂ ਚਾਰਾ, ਤਾਂ ਕਹੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਜਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ, ਸਰਬ ਸੂਖ ਤਾਹੂੰ ਮਨ ਬੂਠਾ, ਜਿਸ ਜਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ, ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੋ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਿਮਰ ਤਿਹ ਪੂਰਨ ਹੋਵਹਿ ਕਾਮ। ਸਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾਂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਦਾਤਾਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਸਭ ਸੁੱਖ ਉਸਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰੋਗੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਿਓ ਹਰ ਨਾਮ, ਇਹ ਆਸਰ ਪੂਰਨ ਭਏ ਕਾਮ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਗਏ। ਪੂਰਨ ਆਸ ਕਰੀ ਖਿਨ ਪੀਤਰ, ਹਰ 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 ਗੁਣ ਜਾਪੇ ਜੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਕਹਾ ਕਰੈ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਜਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦਾ, ਜਾਤ ਦਾ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਜਾਗਰਤ ਅਤੇ ਸੁਖੋਪਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਾਗਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨੀਂਦਰਾ ਹੈ ਜੋ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਉਹਦਾ ਕਾਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮਨ ਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਸੁਪਨੇ ਜੈਸਾ, ਜੀਵਨ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨ। ਇਹ ਜਗਤ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸਾਚ ਕਰ ਹਮ ਗਾਠ ਦੀਨੀ ਛੋਟ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ। ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਪਨੇ ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗੰਢ ਬੰਨ ਲਈ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇ ਨਰ ਇਹ ਸਾਚੀ ਜੀ ਧਾਰ, ਸਗਲ ਜਗਤ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸੁਪਨਾ ਬਿਨਸਤ ਲਗਤ ਨਾ ਬਾਰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਚਾਹੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਿਣ ਭੀਤਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੱਥੋਂ ਰੇਤ ਵਾਂਗੂ ਕਿਰ ਗਿਆ ਸੁਪਨਾ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਸਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾ ਤੈਸਾ ਸੰਸਾਰ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਨ ਸਭ ਬਿਨਸੀ ਹੈ ਕਿਆ ਲਗ ਹੈ ਗਵਾਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਗਵਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ, ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਸੱਚ ਸਮਝ ਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਆਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਲ ਉਸਰੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਹਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ? ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤਬ ਹੀ ਨਰ ਜਾਗੈ, ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂੰਡ ਮਹਿ ਲਾਗੈ। ਜਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ,
कहिंदे फिर जाग आउंदी है मना जे मीटी अख वाला सुपना सच नहीं सी जो वेख्या अख खुलदिया ही जांदा रहा। ये खुली अख वाली जिहड़ी दुनिया है जो स्वपन मैं देख रहा हाँ इत्थे रह चलिया जम लै चले ने हैन दोवें ही सुपने। हाँ समय का अंतरा है, कोई सुपना लम्मा चल जाता कोई छोटा चलता है। वह मिट्टी अख का सुपना थोड़ी देर चलिया, खुली अख का भोरा वध चल गया। रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन भार विरख बसेरो पंख को तैसो यो संसार। जो कुछ वेख्या महाराज कहिंदे तेरा नहीं, ये संसार एक रुख है ते रुख दे उत्ते कई पंछी इकट्ठे हो जाते ने तो रात लंघदी है उड़ जाते ने। इदा अवस्था रूपी रात सारे इस बिरख ते संसार ते असी बतीत करन आए हैं। कोई जल्दी उड़ जाता है, कोई थोड़ा लेट उड़ जाता, उड़ सारे ही जाते ने। कहिंदे जो तन तय अपनो कर मान्यो अर सुंदर गृह नारी इन मैं कश तेरो रे नाहन। देखो सोच बिचारी ये घरवाली है मेरी, ये मेरे सुंदर मकान ने, ये मेरी जमीन है जायदाद है मेरा तख्त है। कहिंदे इस तख्त नूं भोगण वाले कई चले गए, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਖੁਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੇਗਾ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਤੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਸ ਗਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਬਰ ਕੀਆ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਯਹਾਂ ਕੇ ਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਇਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜੋ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਰੋਸ ਕਿਸੈ ਸਿਉਂ ਕਿ ਜੈ ਜੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਉਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਨਾ ਪਜ਼ੀਰ ਬਵਦ ਹਰਚੇ ਹਸਤ ਦਰ ਆਲਮ ਨਾ ਆਸ਼ਕਾਂ ਕੇ ਜ਼ੇ ਅਸਰਾਰ ਇਸ਼ਕ ਅਗਾਹ ਅੰਧ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੀਆਂ ਅਗੋਚਰ ਦੁਨੀਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਲੀਅਨਸ ਖੰਡ ਨੇ, ਟੁਕੜੇ ਨੇ, ਤਾਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਜ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਟੇਗਾ, ਜੋ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਟੇਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਟੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਰਬ ਕਰਤ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ ਬਿਨਸੈ ਸ਼ਿਨ ਮੈਂ ਮੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਅਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾਣ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖ ਝੁਮਕਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਸ ਜਾਵੇਗੀ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹਨੇ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਛਿਣ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਕਾਏ ਗਰਭ ਹੈ ਬਾਵਲੀ ਜੈਸੇ ਭਾਦੋ ਖੂੰਬ ਰਾਜ ਤੂੰ ਤਿਸਤੇ ਖਰੀ ਉਤਾਵਲੀ।
खुंबा दी सब्जी खांदे हो ना, गंदगी विच पैदा हुंदियां ने, रूड़ी ते पैदा हुंदियां ने, ह्यूमस विच पैदा हुंदियां ने। तो जिहड़ी खुंब है वह बड़ी जल्दी मुरझा जाती है, कोई 8 पैर उहदी उम्र है। वो कम से कम खुंब की गरंटी तो है, 8 पैर कढ जाएगी। महाराज कहिंदे तैनू गर्भ काहदा है, तेरी तो अगले साह की गरंटी कोई नहीं दिंदा। हजरत इंसान का कितना तिकंबर तेज है, माटी का पुतला बना फिर माटी से परहेज है। कहिंदे मिट्टी का पुतला है, इन्ना अहंकार कादा है जिहड़ी कदमां तले रुल रही है, उसे मिट्टी दा ते बनिया, तू एक दिन उसे मिट्टी विच रलेंगा पवेंगा। बड़ा तिकंबर उच्चा है, बड़ा अहंकार उच्चा है, चंद तारियां वांगू अहंकार चमकदा है तेरा। माड़ी जी मिट्टी उड के पै जावे ते कपड़े झाड़दा है, रुमाल कढ लैंदे सरदार जी भी कित्थों मिट्टी लग गई। बड़ा हंकार करदा है, कोई मिट्टी नहीं झाड़ेगा जदों सिर विच पै गई, अंत समा आ गया। ये फुल मिट्टी विच ही रुलने ने, जे चुक के दरियाए पा दते, नहरे रोड़ दते, ते वह भी खीर रेता मिट्टी विच ही रुलने ने। सो गर्भ महाराज कहिंदे किस गल दा है, तख्त दा करदा है। कई राजे चले गए, ना गरीब नूं काल छड़दा है, ना अमीर नूं छड़दा है, दुनिया तुरी जा रही है। सो बाणी कहिंदी है, हम आदमी हाँ एक दमी, मोहलत मोहत ना जाना। एक साह दा भरोसा नहीं है बंदे दा, माण नहीं करना चाहिदा। जिह प्राणी हर जस कहियो, नानक तेह जग जीत। इस गल दा ख्याल रखियो, ये जीवन नेक कर्म करन लई मिलिया है। जग जीत ओही है जिन्ने नेक नामी होना कीता, जिन्ने गुना नहीं कीते, जिन्ने पाप नहीं कीता, जिन्ने भला ही कीता है, जिन्ने हर जरे विच परमात्मा नूं प्रगट जानिया है, सब दे नाल प्रेम कीता है। सो महाराज दीन दुनिया दे मालक सानू इत्थे समझाउंदे ने, भलिया जीवन सफला उसका जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति कर ली। भई प्राप्त मनुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया। ये वारी सी रब नूं पाउण दी, जिन्हें रब नूं पा लिया उही मुक्त है, बाकी गर्भ ना कर, इत्थे कोई रहण वाला नहीं है। आपां सारे श्री गुरु तेग बहादुर साहिब का प्रकाश दिहाड़ा मना के हटे हैं। 21 अप्रैल नूं सी, तो कल आपां श्री गुरु अर्जन साहिब जी का प्रकाश दिहाड़ा मना के हटे हैं, जो 23 अप्रैल नूं सी। हुण गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह ये जिहड़े हुकमरान जुल्म करदे ने गुरां ते, जिवें गुरु अर्जन साहिब नूं जहांगीर ने शहीद कर दिता, गुरु तेग बहादुर साहिब नूं औरंगजेब ने शहीद कर दिता, तो गुरु गोबिंद सिंह जफरनामे विच समझाउंदे ने औरंगजेब गर्भ किस गल दा है, हंकार किस देही दा करदा है, तू की सोचदा है, मेरे पिता शहीद कर दिते, मेरे साहबजादे शहीद कर दिते, ये दुखां लदी घड़ी मेरे परिवार ते आ गई, की तेरे महलां विच हासे ही गूंजने ने, तेरे ते समा नहीं आवेगा, खिण पल विच तेरी देह दा नाश हो जावेगा, तू गाफुल मशो, जी सी पंजी साराए के आलम बा गुजरद सरे जा बजाए। इस संसार नूं सदीवी ना समझ, तू गाफल ना हो, ये संसार सरां वर्गा है, ये तेरे महल नहीं, ये सरां है। किते इन्हां महलां विच तेरा पिता
शाहजहान बहिंदा सी अज नजर ही नहीं आउंदा। कदे इन्हां महलां दे विच तेरा दादा जहांगीर टिकदा सी अज नजर ही नहीं आउंदा। अज तू इत्थे टिकिया होया है, इनू मलकीयत ना समझ। ये जेड़ा समें दा चक्कर है हर एक दे सिर उत्ते अटल है चलेगा, ये संसार सरां वर्गा है। तो जेड़ी सरां हुंदी है ना, ते सरां विचला साजो समान राइयां दा नहीं हुंदा जेड़े रात कटदे ने। तो असीं एवें संसार ते जो कुछ है अपना समझ के बैठ गए। तो महाराज कहिंदे ने चंगे काम कर, नेक कर्म कर, शरीर नहीं रहना, नाम ही रह जावे। गए गुरु अर्जन साहब ही शरीर करके दुनिया तो, पर लोग पूजा करते ने नेक नामी अकाल पुरख का सरगुण स्वरूप। गया जहांगीर भी है गुरां दा कातल, शराब कबाब वेसवावां विच जीवन गर्क होया सी उस बंदे दा, तां ही खुसरो ने बगावत कीती सी अपने पिता दे उल्ट। और नूर जहां राज भाग सांभदी सी, एडा अयाश बंदा सी, होश ही कोई नहीं। लानतां पैंदियां ने अज गुरु तेग बहादुर साहब की जय जयकार है। औरंगजेब की मड़ी ते जे दीवा बलदा है तो भी कोई सिख चलिया जावे पापी की कबर वेखण दे, भावें 2 रुपये दे आवे तेल दे, नहीं तो दीवा जगाउण वाला कोई नहीं उत्थे। ते गुरु तेग बहादुर साहब के दिहाड़े खंडा ब्रह्मंडा ताईं गूंज रहे ने, प्रकाश भी ते शहीदी भी लोग मनाउंदे ने। नेक नामी का नाम रह जाता है, शरीर ना गुरु का रहा, ना पीर का रहा, ना संत का रहा, ना साकत का रहा। सो महाराज कहिंदे जीवन सफला कर, रब दे गीत गा, गरीब गुरबे ते दया कर, कदे जावें ते गलियां दे कख रोण भी क्यों चलिया गया है। वो दानी बन, संत बन, महात्मा बन, दातार बन, सूरमा बन, चंगे कर्म कर, कोई याद रवे तेरी दुनिया ते। किन्ने दिल्ली विच लोग आउंदे जांदे ने, कोई याद मनाउंदा है। बाबा बंदा सिंह बहादुर दी याद है, धर्म दी चोली कुछ पाया है, दीना दी मदद कीती है। बाबा गुरु तेग बहादुर साहब खुद खुदा उन्हां दी याद है। सो औरंगजेब नूं महाराज कहिंदे मजन तेग बर खून कसबे दरेग, तुरा नीज खू अस्त बा चरख तेग। औरंगजेब तू क्यों तलवार चलाउना है, जुल्म करदा है, लोकां दा लहू बहाउना है, एक दिन परमात्मा दे हुक्म दी तलवार चलेगी, तेरा लहू भी डुलना है। मौत सब ते आउंदी है, रब्बी हुक्म ही अटल है। औरंगजेब नूं नसीहत दिंदे पातशाह जिस तख्त ते बैठा है न्या कर, जुल्म ना करिया कर। मैं अजकल वेखदा है भी असीं धर्मां दियां कंधां विच इतने जकड़े गए, दूसरे धर्म नाल नफरत पैदा हो गई। अजकल कई नवें बने बुलारे 1984 नूं याद करन दी नसीहत ते दिंदे ने, पुराना जिहड़ा इतिहास है जो रोज़ ही 84 दी तरह साडे नाल मुगलिया सल्तनत दे समें वापरिया, उहनां नूं भुलण दी बात पा दिंदे ने। जिस दिन गुरु नानक साहब ने नवा धर्म चलाया ना, गुरु अर्जन साहब के बोल ने, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण, गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो पलके उठर नाम ते आवै। असी हिंदू नहीं, असी मुसलमान नहीं, साडा धर्म वखरा है। गुरु गोबिंद सिंह बचित्र नाटक विच लिखते ने, तिन बेदियन की कुल विखे प्रगटे नानक राय, तिन यह कलमों धर्म चलायो, सब साधन को राह बतायो। साडे ककार वखरे ने, हिंदू वीरां दा चिन्ह जंजू है, इस्लाम दे अपने चिन्ह ने, साइयां दा अपना करॉस है, साडे चिन्ह की ने, कछ कड़ा कृपान कंगा केस, कोई दो रह है ही नहीं है। साडा धर्म वखरा है, पर असी किसे धर्म नाल नफरत भी नहीं करते। कोई बोला राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसईयां, कोई इलाहे। जिस दिन गुरु नानक साहब ने नवा धर्म चलाया ना,
ਉਦਣ ਦੋ ਧਿਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੰਜੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਮੁਗਲੀਆ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਧਰਮ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਮੁਗਲੀਆ ਸਲਤਨਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਹਵਾ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ। ਅਖੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚੰਦੂ ਸੀ ਹਿੰਦੂ। ਅਖੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਤੁਸਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ, ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਿਆਏ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨਾਮੀ ਹਿੰਦੂ ਪੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਧੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਦੇ ਚੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਨ ਭਰੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਮਤ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਬਰਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕੰਨ ਭਰੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ। ਚੰਦੂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਾਕ ਮੋੜਿਆ, ਚੰਦੂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਨ ਭਰੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨਾ ਪੀਲੂ ਛੱਜੂ ਹਸਨ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਈਰਖਾ ਵਸ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਾਗੀ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਮਤ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕਤਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਫ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਬਿਹੇਵ ਟੂ ਖੁਸਰੋ ਇਨ ਸਰਟਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੇਜ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਬੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੁਸਰੋ ਦੀ, ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਵਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਤੋਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗੁਰਾਂ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਅਰਜਨ ਦਾ, ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਗੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਰਮੂਦਮ ਕੇ ਊਰਾ ਬਾ ਸਿਆਸਤੋ ਯਸਾ ਰਸਾਨੰਦ, ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿਆਸਤ ਬਾ ਯਾਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਅਰਜਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਚੰਦੂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਚੰਦੂ ਹੁਣੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਤਰਕ, ਅਖੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਮੁਗਲੀਆ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਗਲੀਆ ਸਲਤਨਤ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਨੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਵਰਗਿਆਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਢਵਾਇਆ। ਤੋ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਮਤ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ 22 ਧਾਰੀਏ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ? 22 ਧਾਰੀਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ। 14 ਜੰਗਾਂ ਹੀ ਮੁਗਲੀਆ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ,
कठपुतलियां ने नच रहे ने गुलाम राजे जो हिंदू सन राजपूत सन औरंगजेब के हुक्म विच जदों जफरनामा पढ़ते हो एक शेर एक बचन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का बाई धार के हिंदू राजियां दे खिलाफ है बाकी सौ तो उपर शेर औरंगजेब की जुल्मों सितम ढाउण वाली दुनिया के खिलाफ ने साफ पातशाह लिखते ने कसम मुसफे खुफिया गर ई खुरम ना फौजे अजी जेर सुम अफकुनम। इत्थे गुरु गोबिंद सिंह जफरनामे च कहिंदे औरंगजेब आनंदपुर तेरी झूठी कुरान की कसम करके मैं छड़िया ते देख मेरी फौज लंगड़ी हो गई मैं यकीन ना करदा ते नुकसान ना हुंदा। उन्हां वड्डा दोषी जंगा दा औरंगजेब नूं आख्या है तुसी किवें बाणी झुठला दोगे ना दानम के ई मर्द रोह बाहा पेच वगर हर गिजी रहने आरद बहेच। वो कहिंदे तू लूंबड़ है तू धर्मी नहीं औरंगजेब तेरे ढिड विच कुछ होर जबान ते कुछ होर है मैं कदे भी लड़ाई दे रस्ते ते ना चलदा जे तू मैनू धोखा ना दिंदा। अगला शेर फिर कहिंदे ने कि अजबस्त इनसाफों ई परवरी के है फस्त सद हैफ ई सरवरी। वो तू राजा है देश दा अजीब जी तेरी धर्म की पालना है सौ वार अफसोस है तेरे राज ते तेरी सरदारी ते तू जुल्म करदा है फकीरां ते। और अगे आपां सारयां नूं पता वजीर खां ने साहिबजादे शहीद करवाए पर महाराज इत्थे भी कहिंदे ने तेरे हुक्म दे विच ही वजीर खां ने मेरे साहिबजादे शहीद कीते चिहा शुद्ध के चू बचगा कुश्ते चार के बाकी बहमादस्त पेची दे मार। की होया तू मेरे चार बचे शहीद कर दिते मेरा कुंडलिया सप खालसा जिउंदा है गुरु गोबिंद सिंह जिउंदा है दिल्ली दे तख्त नू चकना चूर करेगा। फिर अगे महाराज कहिंदे ने शहन शाहे औरंगजेब आलमीन केदार आए दौरस्त दूरस्त दीन तू दीन तो धर्म तो दूर है पाप कमाउना है औरंगजेब। बाई धारिये राजियां बारे फिर एक शेर लिखिया है मनम कुश्त हम कोहिया बुत परस्त के आ बुत प्रस्तंदो मन बुत शिकस्त। कहिंदे ऐ औरंगजेब ये बाई धारिये जिहड़े राजे ने ना मेरे विरोध विच पता क्यों ने राजपूत राजे बुतां नूं पूजण वाले ने ते मैं इस बुत पूजक विचार धाड़ा नूं तोड़दा हाँ। बुत जड़ है पूजा करनी ते काल पुरख दी करो बाकी सारे जुल्म दा ठीकरा औरंगजेब ते पातशाह ने भन्निया है। बाई धार दे राजे उन्हां गुलाम पंछियां वर्गे सन जिहड़े पिंजरे च लंबे समय तो रहे जिहड़ा पंज छे दिन पिंजरे च पंछी रवे कुंडी खोलो वह उड जाएगा जिहड़ा छे महीने पंछी पिंजरे च रवे कुंडी खोलोगे तुहानू ही चुंजा मारेगा उहनू गुलामी ना प्यार है। ये रजवाड़े गुलामी की रोटी खाते सन। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने औरंगजेब के जुल्म के खिलाफ तलवार उठाई जिमें ज्ञान खड़ग बाबर के खिलाफ गुरु नानक ने उठाई सी ज्ञान की लड़ाई हुण लोह खड़ग उठाई क्योंकि प्रेम की भाषा औरंगजेब नहीं समझदा। जदों बगावत शुरू ही हुई आनंदपुर चों औरंगजेब का ऐलान सी ऐ बाई धार दे राजो तुहाडे इलाके चों बगावत शुरू हुई है गोबिंद राय तुहाडा तख्त भी मलेगा दिल्ली वल नूं भी आवेगा ये ना होवे तुसी गोबिंद दे पक्ष विच खलो जाओ ते मैं तुहाडी गुलामी दी रोटी भी खो लवां तुहानूं मार दवां। दूसरा अपने तख्त दा भी राजियां नूं डर है इस करके औरंगजेब दे नाल खलोंदे ने तो मैं ये भी बेनती कर देवां जिहड़े कहिंदे ना 14 जंगां नहीं होईयां कदे इतिहास पढ़िओ पहला पंघाणी दा युद्ध हुंदा है जिथे बाई धार दे राजे जंग पातशाह नाल लड़दे ने हयात खां ते निजाबत खान मुगलिया सल्तनत वालों जंग लड़न आए ने। दूसरी जंग लड़ी गई है निधाउण दी अलिफ खां वर्गे मुगलों वालों आए ने किरपाल चंद वर्गे हिंदुओं वालों राजे आए ने। इस तरह ही गुलेर की जंग है जदों तुसी सारा इतिहास पढ़ते हो ना तुहानू समझ आएगी भी बाई धार दे राजे ते मुगल इकट्ठे ने सिर्फ 14 चों एक खिदराने की ढा वाला जंग ही कले मुगल लड़ते ने। बैटल ऑफ बिघानी पढ़ो बैटल ऑफ नंदौन पढ़ो बैटल ऑफ गुलेर पढ़ो बैटल ऑफ बसोली पढ़ो कदे वेरवा लैना होया तो वेले टाइम आप जिक्र करांगे। आनंदपुर ही 4 तो 5 लड़ाइया हुई चमकौर की गढ़ी लड़ाई हुई
खिदराने की ढाब लड़ाई हुई। ये बड़ा लंबे रा इतिहास है। और मैं एक गल कह दवा, दोवां तरफां तो हवा चली सी, ब्राह्मण वालों भी तो मुगल वालों भी सिखी दे दीवे नूं बजाउण लई, पर असी फिर भी किसी धर्म नाल नफरत ना कीती है ना करनी है। गुरु गोबिंद सिंह ते आप लिखते ने, हिंदू तुरक को राफजी इमाम साफी, मानस की जात सब एक पहचान बो। गुरु अर्जन साहब आप लिखते ने, एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। सिख किसे धर्म का दुश्मन नहीं। जिहड़ा कह देना ये जिहड़ा समागम करवाया गया भारत सरकार वालों, ये सरकारी समागम है जी। मेरी एक गल का ख्याल रखियो, जिस दिन भारत सरकार दे समागम चों ये गल चलेगी भी जंजू पहन लैन सिख असी विरोध करांगे, जिन्ना चिर भारत सरकार श्री गुरु तेग बहादुर साहब नूं सिख जगत का रहबर कहिंदी है, दुनिया का रक्षक कहिंदी है, सनातन मत नूं बचाउण वाला कहिंदी है, साढ़े ते जंजू नहीं थोपदी, साढ़े प्यो दे सोले गाउंदी है ते असी नाल हाँ, साढ़े प्यो की वड्याई देशां दशंतरां विच जिहड़ा पहुँचावेगा उहदे नाल हां असी, जिहड़ा साढ़े तख्त ढावेगा साडी खिलाफत करेगा उहदे विरोध विच हाँ। एक होर बेनती कर दवां, जिहड़े कहिंदे ना जी इन्हां स्टेजां तों प्रबंधक कह दिंदे ने जी ये कथा करो वो कथा करो, विचार लई खुला सद्दा है, असी बाणी बाणे सिद्धांत ते चलण वाले हैं, ना किसी प्रबंधक दे कहे विच चलदे हैं। जे सरकारां दी गल करदे हो, जिस दिन भारत वर्ष दी सरकार ने खेती कानून लागू किए, इसे बंगला साहब दी स्टेज तो दास ने पहला विरोध किया है। जिस दिन निशान साहब का लाल किले ते विरोध होया, इसे स्टेज तो दास ने कहा जे निशान साहब ना झूलिया होंदा ते अज तिरंगा ना झूलदा। जे ते साढ़े प्यो गुरु तेग बहादुर की वड्याई गाओगे तो असी नाल हाँ, जे साढ़े ते किसी होर धर्म के चिन्ह थोपोगे तो असी विरोध में हाँ। सिख धर्म वखरा है, रवेगा सिखी प्रफुल्लित है, और इतिहास नूं बाणी नूं कोई नहीं बदल सकता। बाकी दास विचार लई खुला सद्दा दिंदा हुंदा सारिआं नूं, सिद्धांतां ते चलो, खंडे दी पौल छको, अपनी अडरी हस्ती नूं याद रखो, ना 1984 भुल्लो ते ना ही मुगलिया सल्तनत दा होया जुल्मिया राज सिख जगत ते कीते हुए जुल्मां नूं भुल्लो, ना ब्राह्मण की बदनीति भुल्लो, ना मुगलों की बदनीति भुल्लो। पौल छको, खालसे दे चिन्ह धारो, कच कड़ा कृपान कंघे केस नूं धार के सिखी नूं प्रफुल्लित करो। गुरु द्वारा होए सोझी पाए सी, गुरु करों सोझी लो, जीवन सफला होवे। सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह हुणा दा धन्नवाद, दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दा धन्नवाद, दिल्ली धर्म प्रचार कमेटी दा धन्नवाद, संगतां दा धन्नवाद, खुद खुदा गुरु ग्रंथ साहिब नूं नमस्कार। इस बाणी गुरु तेग बहादुर साहिब जी का जो उपदेश है जहन विच वसे, जीवन सफला होवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।